तो वेलकम बैक गाइस। और कल जितने भी मैचेस हुए ना यहाँ पे मैच डे के ऊपर, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे संडे के दिन यानी कल के दिन हुआ यहाँ पे मैच मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लिवरपूल का। वो मैच यहाँ पे 1-1 ड्रॉ हो गया, लेकिन वो मैच यहाँ पे लिवरपूल जीत जाती। किक मारी थी यहाँ पे डोकू ने मैकलिस्टर को स्टॉपेज टाइम के करीब, जो कि बिल्कुल क्लियर पेनल्टी थी, बिल्कुल किक मार के गिरा दिया था यहाँ पे मैकलिस्टर को डोकू ने, लेकिन रेफरी ने इस पेनल्टी को नहीं दिया। मतलब इस सीजन के अंदर बहुत सारे अनफेयर मैचेस हमने देखे हैं, लेकिन ये भी जो है ना वो एक वन ऑफ द अनफेयर मैच है यहाँ पे इस सीजन का। और ये इसके बारे में जो है ना वो क्लॉप ने भी कहा कि हर बंदे के लिए, इस प्लेनेट के हर बंदे के लिए ये पेनल्टी थी, चाहे आप मैनचेस्टर सिटी के फैन ही क्यों ना हो, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर पेनल्टी थी। और यहाँ पे एक कर्मा मोमेंट देखा है हमने, मैनचेस्टर सिटी को भी जो है वो यहाँ पे इसी तरह से ही जो है वो अनफेयर किया गया था मैनचेस्टर सिटी के साथ टॉटनम वाले मैच के अंदर। और उसके बाद अब यहाँ पे जो है ना मैनचेस्टर सिटी के साथ जो है ना वो बदला पूरा हो गया। वहाँ पे मैनचेस्टर सिटी के पॉइंट्स यहाँ पे जो है वो छीने गए थे, 3 पॉइंट मिल जाते अगर जो है वो टॉटनम से जीत जाती सिटी, तो सिटी को सिर्फ 1 पॉइंट मिला। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो सिटी को यहाँ पे 1 भी पॉइंट नहीं मिल पाता अगर वो लिवरपूल से हार जाती, अगर लास्ट मिनट पेनल्टी हो जाती तो। लेकिन यहाँ पे जो है ना सिटी को 1 पॉइंट जो है वो मिल चुका है, तो यहाँ पे जो है ना वो कर्मा हो गया है यहाँ पे सिटी के साथ। और उसके अलावा ना यहाँ पे इस मैच के अंदर हमने देखा कि पेप गार्डियोला ने जो है वो यहाँ पे केविन डी ब्रुइने को 68 मिनट के अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। मतलब इतने बड़े प्लेयर को, अपनी टीम के बेस्ट मिडफील्डर को, जिसके ऊपर केविन डी ब्रुइने यहाँ पे बहुत एंग्री थे और जो है ना वो यहाँ पे पेप गार्डियोला से लड़ते हुए जा रहे थे यहाँ पे केविन डी ब्रुइने। और उसके अलावा यहाँ पे जब वो जाके बेंच पे बैठे हैं, जब भी वो यहाँ पे जो है वो गुस्सा थे पेप गार्डियोला, वहाँ पे भी इन्हें मनाने गए। उसके बाद फिर मैच के बाद यहाँ पे पेप गार्डियोला ने स्टेटमेंट दी कि मैं हैप्पी हूँ कि केविन डी ब्रुइने जो है वो अपसेट है। और उन्होंने यहाँ पे जो है वो ये स्टेटमेंट भी दी कि हम जो है वो लगातार बॉल लॉस कर रहे थे, हम बॉल कीप नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से मैंने केविन डी ब्रुइने को सब्स्टिट्यूट किया है। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है ना वो हमने बेटर करना शुरू कर दिया जब केविन डी ब्रुइने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गए। मतलब मुझे तो कहीं नहीं नजर आया कि केविन डी ब्रुइने के बिना जो है वो मैनचेस्टर सिटी ने जो है वो अच्छा खेला हो, बिल्कुल मुझे नहीं नजर आया। और यहाँ पे लिवरपूल के मो साला भी नहीं थे उस मैच के अंदर, तो मतलब लिवरपूल की इंजरीज वाले प्लेयर्स भी नहीं थे, अगर वो यहाँ पे होते तो शायद मैनचेस्टर सिटी इस मैच को हार चुकी होती लिवरपूल के होम के अंदर। और लास्ट मैच हमें देखने को मिला है यहाँ पे क्लॉप और गार्डियोला का। पिछले 7-8 सालों से हम उन दोनों की राइवलरी देखते हुए आ रहे हैं और ये लास्ट मैच था, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल एक प्यार से गले मिले हैं, बहुत ही अच्छा लगा मैच जब एंड हुआ है तो। और उसके अलावा जो है ना वो यहाँ पे क्लॉप काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, गार्डियोला को तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि उन्होंने यहाँ पे केविन डी ब्रुइने को सब्स्टिट्यूट किया, लेकिन यहाँ पे जो है वो अनफेयर तरीके से यहाँ पे जीती है मैनचेस्टर सिटी। 1-1 पॉइंट दोनों टीमों पर बन चुका है। आर्सेनल ने अपना गेम जीता था यहाँ पे ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट, उन्होंने 3 पॉइंट्स लिए थे, तो लिवरपूल और आर्सेनल यहाँ पे 64 पॉइंट्स के साथ है, सिटी यहाँ पे 63 के साथ है। और आर्सेनल जो है यहाँ पे 2-1 जीती थी, वो एक गोल भी जो है ना यहाँ पे रैम्सडेल की गलती की वजह से हुआ था, और रैम्सडेल को इसलिए खिलाया गया क्योंकि यहाँ पे नवंबर के बाद ही उनको अब जाके खिलाया गया रैम्सडेल को, उनको यहाँ पे इसलिए खिलाया गया क्योंकि राया नहीं खेल सकते थे, क्योंकि प्रीमियर लीग का रूल है कि जिस टीम से आप प्लेयर को लोन पे लेंगे, लोन प्लेयर को आप उस टीम के अगेंस्ट नहीं खिला सकते, ये प्रीमियर लीग का रूल है। इस वजह से यहाँ पे राया को बेंच पे बिठाया गया और रैम्सडेल को खिलाया गया। तो यहाँ पे रैम्सडेल ने मिस्टेक की, अगर रैम्सडेल यहाँ पे क्लीन शीट ले जाते तो हो सकता है कि आगे चल के और ज्यादा यूज करती यहाँ पे आर्सेनल रैम्सडेल को, लेकिन रैम्सडेल ने यहाँ पे खुद मिस्टेक करके गोल करवाया, क्लीन शीट अपनी बर्बाद की। और जो है वो यहाँ पे अब आगे चल के भी आपको राया ही देखने को मिलेंगे यहाँ पे आर्सेनल के गोलकीपर। गार्डियोला ने यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए ना केविन डी ब्रुइने को लेकर, आखिरी में उन्होंने ये भी ऐड किया था स्टेटमेंट के कि वी नीड हिम, ही इज इम्पोर्टेंट, मगर यहाँ पे जो है ना वो फिर भी गार्डियोला के ये दो लाइन से जो है वो मैनचेस्टर सिटी फैंस का गुस्सा ठंडा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपने बेस्ट प्लेयर को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होते हुए देखा है 68 मिनट के अंदर। उसके अलावा हमने देखा कल यहाँ पे जब एडर्सन ने फाउल किया ना मेनेस को, तो यहाँ पे लिवरपूल को पेनल्टी दे दी गई, लेकिन जब यही सेम फाउल यहाँ पे एडर्सन ने गर्नाचो के अगेंस्ट किया था ना, तो यहाँ पे पेनल्टी नहीं दी गई थी यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड को, जो कि बहुत ही गलत है यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट जो है वो यहाँ पे इनजस्टिस हुआ था यहाँ पे उस मैच के अंदर। एक बार रैशफोर्ड जो है वो यहाँ पे रैशफोर्ड को गिराया था आई थिंक काइल वॉकर ने,
पेनल्टी बॉक्स में तो उस पर पेनल्टी नहीं दी गई, फिर गर्नाचो को यहाँ पे गिराया एडर्सन ने, उस पर पेनल्टी नहीं दी गई। तो यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ यहाँ पे अनफेयर हुआ, उसी तरीके से जो है वो यहाँ पे एडर्सन ने जब नूनेस को गिराया तो यहाँ पे क्लियर पेनल्टी थी और दे दिया गया। मतलब इस सीजन के अंदर बहुत अनफेयर डिसीशन हुए हैं यहाँ पे। अभी आप देख लिया जूड बेलिंगम का गोल कैंसिल किया गया, उसको रेड कार्ड दे दिया गया। मतलब बिल्कुल फुटबॉल जो है ना यहाँ पे एक अनफेयर गेम बन के रह गया इस सीजन के अंदर। तो यहाँ पे ना मतलब क्रिकेट से जो है वो यहाँ पे एक इंस्पिरेशन लेनी चाहिए फुटबॉल को, कि क्रिकेट के अंदर अगर रेफरी गलत डिसीजन लेता है ना तो प्लेयर्स जो है ना वो यहाँ पे डिसीजन को रिव्यू ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फुटबॉल में ऐसा कुछ है ही नहीं कि भाई अनफेयर लगता है डिसीजन तो हम रिव्यू लें। ऐसा जो है ना वो एक रूल फुटबॉल में भी लाना चाहिए। फुटबॉल में भी जो है वो यहाँ पे प्लेयर्स जो है वो यहाँ पे रेफरी के डिसीजन को यहाँ पे चैलेंज कर सके, एक अपील ले सके, ऐसा जो है ना वो एक कॉन्सेप्ट लाना चाहिए फुटबॉल में। ब्लू कार्ड सुनने में आता है, कभी ऑरेंज कार्ड सुनने में आता है, कभी ऐसे ऐसे कार्ड लाए जाएंगे यहाँ पे फुटबॉल के अंदर। तो उससे अच्छा है यहाँ पे कम अज कम रेफरीज के डिसीजन को फेयर बनाने के लिए जो है ना वो यहाँ पे रिव्यू सिस्टम लाना चाहिए यहाँ पे फुटबॉल के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे आज सुबह जो है वो इंटर मियामी का भी मैच हुआ। इंटर मियामी यहाँ पे 3-2 हारी है उस मैच को। रियल मैड्रिड ने भी अपना मैच जो है वो 4-0 विन किया। यहाँ पे आर्दा गुलर ने जो है वो यहाँ पे फर्स्ट गोल मारा है इस साल का रियल मैड्रिड के लिए। तो यहाँ पे उनके लिए भी जो है वो बहुत ज्यादा एक प्राउड मोमेंट है। लेकिन आर्दा गुलर से रिलेटेड खबरें ये निकल के आ रही है कि उन्हें जो है वो लोन पे दे दिया जाएगा एसी मिलान को, क्योंकि यहाँ पे रियल मैड्रिड के पास बहुत सारे मिडफील्डर्स हैं। अभी एट्रिक भी आ रहे हैं, वल्वेर्डे है, कामाविंगा है, चुआ मैनी है, टोनी क्रूस है, जूड बेलिंगम है यहाँ पे। तो मॉड्रिच तो यहाँ पे सीजन के एंड में छोड़ के चले जाएंगे। नंबर 10 जो है वो एम्बाप्पे को दे दिया जाएगा। यहाँ पे 6 मिडफील्डर्स हो जाएंगे। तो आर्दा गुलर को जो है वो यहाँ पे देने की बात हो रही है कि उनको जो है वो यहाँ पे लोन पे दे दिया जाएगा, जैसे पहले ब्रायन ब्यास को दिया था। रियल मैड्रिड के अलावा यहाँ पे लालीगा के अंदर बार्सिलोना ने भी हफ्ते वाले दिन मैच खेला था। तो यहाँ पे बार्सिलोना 1-0 जीती। गुंडोगन ने पेनल्टी मिस की, लेकिन लेमिन यामाल ने जो है वो गोल मारा है। 6 गोल और 7 असिस्ट वो काट चुके हैं इस सीजन के अंदर, जितना मुझे याद है 6 गोल और 7 असिस्ट उनके बोल चुके हैं। अभी वो सिर्फ 16 साल के हैं। और रियल मैड्रिड और एटलेटिको मैड्रिड के अलावा जो यहाँ पे तीसरी बड़ी टीम है ला लीगा की जो है यहाँ पे हमारी एटलेटिको मैड्रिड, तो वो जो है वो यहाँ पे दोबारा अपना मैच हार गई है। वो सिर्फ 2 पॉइंट ऊपर है यहाँ पे एथलेटिक क्लब से। तो मुझे नहीं लगता कि अब जो है वो एटलेटिको मैड्रिड अभी जिस तरीके की फॉर्म में चल रही है वो टॉप 4 को सिक्योर नहीं कर पाएगी। आई होप कि एथलेटिक क्लब जो है वह यहाँ पे 4th पे आए, क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड जो है ना वो सेम मैनेजर के साथ यहाँ पे 13 सालों से खेल रही है। तो अब यहाँ पे इस बार जो है वो एटलेटिको मैड्रिड यूरोपा में चली जाए, ताकि जो है वो एटलेटिको मैड्रिड के मैनेजर को यहाँ पे सैक किया जाए, किसी अच्छे मैनेजर को लाया जाए, क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड को अब एक नया मैनेजर की जरूरत है। अब डिएगो सिमोन के टैक्टिक्स जो है वो यहाँ पे काम नहीं करते हैं। स्पर्स और एस्टन विला का भी यहाँ पे मैच था। स्पर्स ने यहाँ पे 4-0 मारा एस्टन विला को, और अब स्पर्स अगर एक विन और लेंगे ना तो यहाँ पे दोनों टीमों के 28 गेम्स होंगे, लेकिन स्पर्स यहाँ पे 1 पॉइंट ऊपर आ जाएगी यहाँ पे एस्टन विला से, और यहाँ पे 4th पोजीशन को सिक्योर कर लेगी स्पर्स। तो अब देखते हैं कि स्पर्स और एस्टन विला से जो है ना वो 4th पोजीशन को कौन सिक्योर करता है, और अगले साल यहाँ पे कौन जा पाता है यहाँ पे यूसीएल के अंदर। यूनाइटेड भी फॉर्म में नजर आ रही है। यूनाइटेड ने जो है वो यहाँ पे 2-0 हराया है यहाँ पे एवर्टन को, और यहाँ पे एरिक टेन हैग के 100 गेम्स कम्प्लीट हो गए। 61 इनके विन्स है, जोसे मोरिनो के 62 थे, और उसके अलावा यहाँ पे बेंगाल के 52 थे, और ओले गुनर के यहाँ पे 56 थे। तो यहाँ पे 2nd पोजीशन सिक्योर की है यहाँ पे एरिक टेन हैग ने। और यहाँ पे ना इसी तरह की विनिंग फॉर्म अगर कंटिन्यू रखेगी ना, मतलब लास्ट गेम तो अपना आ रही थी सिटी से, लेकिन उससे पहले के गेम्स उन्होंने जीते हैं जो उन्हें हॉलैंड में जितवाए। हॉलैंड में एक गेम तो यहाँ पे हार गई है बीच में, लेकिन उससे पहले की जो विनिंग फॉर्म है छोटी टीम्स के लिए, और अभी जो एक और मैच उन्होंने जीत लिया। दोनों पेनल्टी से यहाँ पे गर्नाचो ने दिलवाई हैं, और दोनों ही गोल्स यहाँ पे पेनल्टी के ऊपर मिले एवर्टन के अगेंस्ट। तो इसी तरह अगर विनिंग को कंटिन्यू रखे ना कि चलो बड़ी टीम से हार भी जाए, छोटी की छोटी सारी टीम्स को अपनाएं, तो यहाँ पे यूनाइटेड भी जो है वो 4th पोजीशन को सिक्योर कर सकती है आगे चल के। लेकिन उसके लिए यूनाइटेड को अगले 10 के 10 गेम्स जो है वो यहाँ पे जीतने पड़ेंगे। पीएसजी और रेंस का मैच यहाँ पे 2-2 ड्रॉ हुआ, और एम्बाप्पे को यहाँ पे पीएसजी सब्स्टिट्यूट करके लाई है 73 मिनट में। ये 4th टाइम है यहाँ पे इस सीजन के अंदर जब एम्बाप्पे को जो है वो यहाँ पे बहुत कम टाइम दिया गया है, तो उनको फर्स्ट हाफ के बाद सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता, या फिर उनको अगर खिलाया भी जाता तो यहाँ पे जो है वो उनको जो है वो कुछ 28 मिनट कभी दिए जा रहे हैं, कभी उनको 17 मिनट दिए जा रहे हैं। तो लीग वन के अंदर उनके साथ यही किया जा
जा रहा है क्योंकि पीएसजी को यहाँ पे एम्बापे ने ऑलरेडी लीग वन जितवा दिया, तो आप इस तरह का कर रही है, इस तरह का सलूक कर रही है, यहाँ पे बैड हैबिट दिखा रही है यहाँ पे पीएसजी एम्बापे के साथ। भाई आपका लेजेंड है, उसने आपको इतनी सारी ट्रॉफीज जितवाई है, वो आपके क्लब की तरफ से 200-300 गोल मार चुका है, तो अब आपको चाहिए कि आप उसको जो है वो रिस्पेक्ट दो। आप उल्टा उसको डिसरिस्पेक्ट दे रहे हो, आप उसको जो है वो प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हो, आप उसको बेंच पे बिठा रहे हो, आप अपने लेजेंड के साथ ऐसा कर रहे हो। इसीलिए जो है ना वो यहाँ पे पीएसजी के पास आज तक कोई यूसीएल नहीं है, और पीएसजी जैसी टीम्स के साथ यही होना चाहिए कि वो कभी भी यूसीएल ना जीत पाए। इन्होंने मेसी को भी डिसरिस्पेक्ट किया, इनके जो अल्ट्रास के फैंस है वो मेसी को बू करते रहे पूरे आखिरी के 6 महीने तक, और यहाँ पे जो है वो नेमार के साथ भी इन्होंने इसी तरह का सलूक किया है, उसके घर के ऊपर अटैक कर दिया था। मतलब ये सारी चीजें मैंने पिछले एक साल में कवर की हैं, तो मतलब ये जो अपने लेजेंड्स के साथ इस तरह करती है ना यहाँ पे पीएसजी, तो इसी वजह से जो है ना वो यहाँ पे पीएसजी आज तक जो है वो यूसीएल नहीं जीत पाई है, और आई होप के कभी भी ना जीत पाए। और आर्सेनल जो है ना वो यहाँ पे फोर्थ टीम बनी है यहाँ पे प्रीमियर लीग की हिस्ट्री के अंदर जिसने अपने न्यू ईयर के ना यहाँ पे 8 के 8 गेम जीते हैं। इससे पहले यहाँ पे सिटी ने भी ऐसा किया था, लिवरपूल ने किया, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी, कि उन्होंने भी अपने नए ईयर के 8 के 8 गेम्स जीते हुए हैं, मतलब जीते थे पहले। तो अब तो जब भी जो है वो ये ऐसा किया है ना यहाँ पे तीनों क्लब्स ने, तो वो तीनों क्लब इस साल का प्रीमियर लीग जीते हैं। तो अगर आस्था में जो है वो अगर इस तरह यहाँ पे विनिंग को कंटिन्यू रखेगी ना, तो आई होप कि आर्सेनल जो है वो प्रीमियर लीग जीत सकती है। मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल या आर्सेनल, आपको क्या लगता है कि इस साल का प्रीमियर लीग कौन डिजर्व करता है? बायर्न का भी यहाँ पे मैच हुआ था, 8-1 जीती बायर्न, गेंद ने हैट्रिक मारी, लेकिन बुंडेसलीगा के रूल्स के हिसाब से उसको हैट्रिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि बुंडेसलीगा का रूल है कि एक हाफ के अंदर आपने 3 गोल मारने, और जब आपने 3 गोल मारने वो बैक टू बैक मारने, बीच में कोई और प्लेयर जो है वो गोल ना मारे। ऐसा ना हो कि पहले केन मार रहा है, 2 गोल यहाँ पे केन ने मारे थे, फिर एक मुसियाला मार रहा है, तो उसके बाद फिर केन मार रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 के 3 गोल आपको बैक टू बैक मारने और जो है वो एक ही हाफ के अंदर मारने, जब जाके आपकी हैट्रिक को हैट्रिक कंसीडर किया जाएगा। मतलब बहुत ही कोई फुलिश किस्म का रूल है यहाँ पे ये बुंडेसलीगा के अंदर, और सिर्फ बुंडेसलीगा में ही जो है वो ऐसा हैट्रिक रूल है। और केन ने यहाँ पे जो है वो 30 गोल्स मार दिए 25 गेम्स के अंदर, अभी 9 गेम्स यहाँ पे बायर्न के बाकी है बुंडेसलीगा में। लेवनडोस्की का रिकॉर्ड है 41 गोल्स का एक बुंडेसलीगा सीजन के अंदर, अगर केन यहाँ पे 12 गोल्स और मार देना तो लेवनडोस्की का रिकॉर्ड तो गया। लेकिन जो है वो मुझे लग रहा है कि बायर्न जो है वो यहाँ पे केन को बैच भी करेगी आगे चल के, क्योंकि यूसीएल के गेम्स भी आ रहे हैं, तो वो यूसीएल के लिए रेस्ट देने के लिए बायर्न बेंच किया करेगी यहाँ पे केन को, तो कहीं केन का मतलब कि जो एक है ना कि रिकॉर्ड वो तोड़ सकते हैं वो कहीं रह ना जाए। मैं कहता हूँ बायर्न पूरे के पूरे 12 मैचेस यहाँ पे खिलाए केन को, ताकि वो यहाँ पे लेवनडोस्की के रिकॉर्ड को तोड़ पाए और अपने फर्स्ट सीजन को ही जो है वो ब्लॉकबस्टर बना पाए। लेकिन लग रहा है कि वो ट्रॉफी रेस रहेगी, क्योंकि अभी सिर्फ 2 ट्रॉफीज ही बाकी रह गई यहाँ पे बायर्न के पास। डीएमवी पोकल से वो बाहर है, तो अब यहाँ पे उनके पास चैंपियंस लीग और बुंडेसलीगा रह गया है यहाँ पे जीत हुए को, तो बुंडेसलीगा से भी वो बहुत पीछे है यहाँ पे 10-11 पॉइंट पीछे है यहाँ पे लेवरकुसेन से, तो बुंडेसलीगा भी वो हार चुके हैं, अब बस चैंपियंस लीग रह गया है। चैंपियंस लीग में भी जो है वो देखते हैं बायर्न क्या कर पाती है और क्या वो जीत पाती है या नहीं, देखते हैं आगे चल के सीजन के अंदर।